हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए बात करते हैं आज कुछ किस वीडियो में। जानेंगे आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। जी हाँ, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से आज भारत में एशिया की सबसे बड़ी योजना लॉन्च होने जा रही है, कौन सी आपको बताएंगे। साथ ही एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार यानी कि आज रात से ही फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है सख्त। कौन कौन से राज्यों में और किस तारीख तक, मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं ये भी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। मौसम समाचार, आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोलियल के रेट्स भी आपको बताएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां खबर देख पाऊंगे कि वैज्ञानिकों की चेतावनी है। दावा किया जा रहा दोस्तों कि अगले 5 साल में धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कल ही कहा कि आने वाले 5 साल में औसत वैश्विक तापमान पहली बार पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ सकता है और ये वाकई में धरती के लिए एक चुनौती है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर है कि भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। सांसदों ने इसको लेकर प्रस्ताव भी दिया। दोस्तों कल ही अपडेट मैंने आपको बताया था कि हांगकांग देश भी टिकटॉक को बैन करने जा रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया भी, लगता है टिकटॉक की पूरी लगने वाली अब धीरे धीरे। खैर चलिए अगला अपडेट आ रहा है, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। ICSE बोर्ड जो है ना, वो अपने 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट को आज 10 जुलाई दोपहर 3 बजे अनाउंस करने जा रहा है। इस साल 2 महीने लेट है नतीजे, लेकिन फिर भी आज रिजल्ट आ जाएंगे इसके। और आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.results.cise.org पर जाकर के चेक कर सकते हैं। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आज जारी होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जुलाई को सुबह 11 बजे लोकार्पण करेंगे। जी हां, पीएम मोदी जिस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं वो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। ये हम भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि एशिया पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ी परियोजना इस तरह की है तो भारत में है। अच्छी बात है दोस्तों। चलिए साथ ही अगली खबर है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भी वीडियो KYC शुरू कर दिए। अब आसानी से आप अपने अकाउंट में वीडियो के जरिए KYC करवा सकते हैं। जी हां, सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच वीडियो के जरिए आप KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। आजकल आपको बताऊंगा बहुत सारे बैंक जो है वीडियो KYC शुरू कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को बैंक में नहीं जाना पड़े, फिजिकली ब्रांच में विजिट ना करना पड़े। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भी ये सुविधा शुरू कर दी। अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि अब गांव में भी घर बैठे ऑर्डर पर मिलेगा फेंटा स्प्राइट जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर जो है ना, वो भारत के रूरल एरिया पर भी है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में तो ऑलरेडी इनका कारोबार बिजनेस बड़ा हुआ है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में ग्रामीणों में भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको बढ़ावा देने के लिए कोका कोला इंडिया कंपनी जो है ना, उसने ग्रामीण ई स्टोर्स यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना CSC, उनके साथ एक साझेदारी या पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप का मकसद ये है कि ग्रामीण भारत में घर घर तक उपभोक्ता उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कॉमन सर्विस सेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसमें पायलट फेज के तहत कोका कोला के उत्पाद बिकेंगे कौन कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में। फिलहाल ग्रामीण स्टोर्स पर ये आइटम लिस्टेड होंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, भूकंप के झटकों से एक बार फिर से मिजोरम की धरती हिल चुकी है। जी हाँ, 4.3 की तीव्रता का भूकंप कल दोपहर 2 बजे भी देखा गया। मिजोरम में पिछले 1 महीने में कई बार भूकंप आ चुका है, आपको पता होगा, तो ऐसे में लोग बाग प्लीज सावधान रहें। और साथ ही खबर है कि सावधान हो जाइए, CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक फेक न्यूज वायरल हो रही है और CBSE ने स्टूडेंट्स के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दरअसल न्यूज ये वायरल हो रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का नोटिस यूं बनाया गया है फेक, और इसमें बताया गया है कि CBSE की 12वीं 10वीं का रिजल्ट जो है 11 जुलाई और 13 जुलाई को रिलीज हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि CBSE की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है CBSE के रिजल्ट को लेकर, यहां तक कि CBSE ने भी इसको फेक न्यूज करार दिया। तो प्लीज आप किसी की जांच से ना आए, रिजल्ट का कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर, ठीक है ना। बाकी वो ICSE का रिजल्ट आ जा ही रहा दोपहर 3 बजे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी तरह से CBSE का भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए अच्छी बात है। व्हाट्सएप ने कुछ एनिमेटेड स्टिकर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। अगर उनको यूज करना चाहते हैं आप, तो स्टिकर ऑप्शन के अंदर आपको प्लस का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे फ्लेक्सिबल और एनिमेटेड इमोजी आपको व्हाट्सएप में देखने मिल जाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, बुलेट ट्रेन को लेकर जरूरी खबर आई है, रेलवे ने प्रोजेक्ट पूरा करने में दम लगाया है। जी हाँ, देश में दोस्तों रेलवे की एक और बड़ी परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। यह तब है जब देश में ऐसे प्रोजेक्ट लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और आर्थिक कारोबार में मंदी के चलते लेट यानी कि देरी से चल रहे हैं। इस बीच भी रेलवे जो है ना, वो अपने खास प्रोजेक्ट का प्लान बनाए हुए हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। इस
इसके अलावा भी दोस्तों इंडियन रेलवे की एक और सफलतापूर्वक मेहनत देखिए आप, जल्द ही बिना बिजली और डीजल के भी दौड़ेगी ट्रेन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने ऐसी ट्रेन बना डाली है दोस्तों जो ना बिजली से दौड़ेगी ना ही डीजल चाहिए होगा उसमें, वो बैटरी से चलेगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे ने बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया है, और सिर्फ बनाया है ही नहीं बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर लिया यानी कि टेस्टिंग भी कर लिया। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में पटरियों पर आपको बैटरी से चलने वाली ट्रेन देखने को मिल सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में होता ना वैसा सिस्टम है ना। चलिए, साथ ही खबर है कि अब गूगल मैप आपके सफर को और भी ज्यादा आसान बनाएगा, रूट के ट्रैफिक सिग्नल को बताकर आपका समय बचाएगा। जी हाँ, गूगल मैप्स आजकल हमारी कितनी जरूरत बन गया आपको पता होगा, जब भी हम कहीं अनजान रास्तों पर पहुंचते हैं तो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गूगल मैप ही सहारा बनता है, राइट। और ऐसे में लोगों की जरूरतों को देखते हुए गूगल कंपनी अब इस ऐप में कुछ और नए फीचर ऐड कर रही है, जिसकी मदद से आपका रास्ता और आपका सफर और भी ज्यादा आसान होगा, समय की भी बचत होगी। दरअसल गूगल मैप्स जल्द ही चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स भी कैच कर पाएगा, फिलहाल इस फीचर पर काम किया जा रहा है, जल्द ही ये फीचर रोल आउट किया जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों अगले चौराहे पर आपको रेड लाइट मिलेगी, येलो लाइट या ग्रीन लाइट मिलेगी, ये चीज भी आपको गूगल मैप्स में देखने मिल जाएगी ना। चलिए, साथ ही खबर है कि इंडिया ग्लोबल वीक में बोले पीएम मोदी, हर चुनौती से लड़ने को हम तैयार हैं, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म में विश्वास रखते हैं। जहां कल आपको बताऊंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक में एक वर्चुअल सम्मेलन में लॉन्चिंग के दौरान ही भारत की ओर से पूरी दुनिया को संबोधित किया, राइट। और ऐसे में पीएम मोदी ने भारत के लिए बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई पूरी दुनिया के सामने। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि इस समय रिवाइवल के बारे में बात करना स्वाभाविक है, ग्लोबल रिवाइवल और भारत को जोड़ना उतना ही स्वाभाविक है, इस बात का विश्वास है कि ग्लोबल रिवाइवल की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। तो इंडिया के लिए भी उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें कही, और दुनिया के लिए भी जो अभी महामारी का मसला चल रहा है इस दौरान भी दुनिया का हौसला बढ़ाने वाली बातें कही, तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि नेपाल देश ने दोस्तों भारतीय चैनल्स को बैन कर दिया, नेपाल में सिवाय दूरदर्शन चैनल को छोड़ करके बाकी सभी न्यूज चैनलों को बैन किया गया, और वहां के सूचना मंत्री का कहना कि ये चैनल हमारे नेताओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। तो ये नेपाल की हरकत आप देख सकते हैं। और साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पा रूंगे, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका। वैसे तो दोस्तों देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ही, मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान, लेकिन फिलहाल कुछ मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट से रूबरू हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से लेकर रविवार तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इसके अलावा राजस्थान राज्य के भी कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है, ऐसे भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही है। साथ ही संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और इसके पूर्वी भागों में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायल सीमा, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान के एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार हैं। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और बात करें आज के ताजा सोना चांदी के भाव की, तो सराफा बाजार में सोने की कीमतें 56 रुपए बढ़कर 49,215 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी 356 रुपए बढ़कर 51,738 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं। साथ ही बात करें आज के चीनी वायरस से जुड़े अपडेट्स में, जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि चीनी वायरस से लगातार दूसरे दिन देश में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। अब तक दोस्तों तकरीबन 8 लाख लोगों के लगभग संक्रमित हो चुके हैं, बस 5-6 हजार लोग ही कम है 8 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में, यानी कि 7,94,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 25,790 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में देखे गए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कुछ और राज्यों में भी लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबरें पूरी विस्तार से आगे। फिलहाल दोस्तों एक अपडेट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज अभी तक नहीं आई है, ये राहत की बात है। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना दोस्तों कि भारत में रिकवरी रेट जो है ना वो बढ़कर 62.09% हो चुका है, प्रति 10 लाख की आबादी में ये सिर्फ 15 मौतें हैं, कुछ देशों में ये आंकड़ा 40 गुना ज्यादा है। तो भारत के लिए ये तो राहत की बात है कि जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि पूरी दुनिया के आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में दोस्तों 5,54,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,22,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये तो दोस्तों पूरी दुनिया का ग्लोबल आंकड़ा रहा, देश में अभी आंकड़ा क्या चल रहा है तो मैंने आपको बताया 21,600 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, एक दिन में 479 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में टोटल जान जाने वालों का आंकड़ा 2000
के पार पहुंच चुका है। ठाणे में अब तक 1483 मरीजों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये रहा दोस्तों अभी तक का आंकड़ा। भारत में 7,94,842 टोटल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2,77,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं, 4,95,000 रिकवर हो चुके हैं, तकरीबन 5,00,000 ठीक हो चुके हैं, 21,663 लोगों की जान जाने की खबर है। ओके दोस्तों, तो ये तो रही चीनी वायरस से जुड़ी खबरें, और अपन बात करें कि आज देश दुनिया में और क्या अपडेट चल रहे हैं सरकार की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे से फिर से सख्त लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन प्रतिबंध रहेगा। चीनी वायरस के मामलों को बढ़ते देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज शुक्रवार रात 10 बजे से ही अगले सोमवार सुबह तक सख्त लॉकडाउन लागू रखने की प्लानिंग बनाई है। अच्छा दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में भी, पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। 11 जिले कौन कौन से हैं? पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधुबेरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला शामिल है। यहाँ पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कई जगहों पर 10 जुलाई से लेकर अगले आदेश तक लॉकडाउन लागू रहेगा। तो ये बिहार के अंदर भी फिर से लॉकडाउन को लेकर अपडेट है। और चलिए अब अपन बात करें अगली खबर में, जहां देख पाऊंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेलवे ने एक खास अनोखी डिवाइस बनाई है। पास आते ही अलार्म बज उठेगा। जी हां, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ वगैरह को देखते हुए दक्षिण रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाई है, और इस डिवाइस के जरिए चीनी वायरस से लड़ने में और भी मदद मिलेगी, उसे फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि इस डिवाइस की खास बात यह दोस्तों कि अगर दो डिवाइस एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी से कम के दायरे में चले आते तो अलार्म बजने लगता है, और इससे यह पता चल जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। तो दोस्तों ये इंडियन रेलवे की एक नई पहल, वाकई में बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। चलिए साथ ही खबर है कि सेहत के लिए मुसीबत बन सकती है स्मार्ट वॉच, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वॉच में इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, जैसे कि घड़ी को हैक करके कई बार मरीज को दवा लेने के फेक रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं। इसी तरह से आपकी हेल्थ से जुड़ी डेटा को भी गलत बताया जा सकता है, आपकी हार्ट रेट को कम ज्यादा बताया जा सकता है। इस तरह से ब्रिटेन की सुरक्षा फर्म पेन टेस्ट पार्टनर्स को एक रिसर्च में इस बात का पता चला कि स्मार्ट वॉच के अंदर भी हैकिंग पॉसिबल है, और ऐसा हो सकता है कुल मिलाकर के, है ना। चलिए साथ ही खबर है टेक न्यूज को लेकर, और एक अपडेट देख पाऊंगे। ट्विटर पर अब आप एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ट्विटर कंपनी पेड प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही है। हालांकि अभी तक सब कुछ लगभग फ्री है, लेकिन फिर आपको कुछ प्रीमियम ट्वीट्स देखने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों को 1 अगस्त से ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कहां का बना है। 1 अगस्त से ये नियम इन कंपनियों के लिए लागू होने जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था, शायद आपको याद हो तो, कि मेड इन चाइना है या मेड इन जापान है, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन भारत, मेड इन इंडिया, जो कोई भी कंट्री के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया ना, 1 अगस्त के बाद ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील सभी को बताना जरूरी होगा। तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि 31 जुलाई तक स्कूलों में दाखिला नहीं होगा, ना ही आएंगे छात्र ना ही शिक्षक। जी हां, झारखंड राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां, मौज मस्ती का ही माहौल रहेगा 31 जुलाई तक, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला आता है। फिलहाल अगली खबर है कि स्कूल में छात्रों को गौरवमयी इतिहास, सभ्यता व संस्कृति से रूबरू करवाएगा 3D मॉडल। जी हां, पंजाब के अंदर इस तरह की एजुकेशन प्रणाली शुरू की जा रही है, जहां विद्यार्थियों को अपनी सभ्यता, संस्कृति के गौरवमयी इतिहास के बारे में 3D मॉडल के जरिए छात्रों को समझाया जाएगा, ताकि उनकी मेमोरी में अच्छे से वो बातें पता चल सके और उनको याद रह सके। साथ ही खबर है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबें बेची तो सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने हर वर्ग और बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम यानी सिलेबस लागू किया है। और यहाँ तक कि एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सिलेबस है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी जिले से विद्यालय में यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकों की बिक्री यानी कि बेचने की शिकायत मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये वाकई में उत्तराखंड राज्य सरकार का एक अच्छा फैसला है। चलिए साथ ही खबर है कि पीएम कुसुम योजना से किसानों को सोलर पंप पर 90% तक छूट मिलती है, इससे आप भी फायदा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी खेतीबाड़ी के लिए सोलर पंप लगाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह को बढ़ा दिया। सब्सिडी के तौर पर आपको 90% रकम मिल जाएगी, यानी कि आपको खर्चा बहुत कम लगेगा। आपको बता दूं, सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए सोलर पैनल योजना बनाई थी, जिसका नाम रखा था कुसुम। इस महाअभियान के तहत किसानों की खेतीबाड़ी में जहां लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, सिंचाई पंपों का इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाने की जरूरत पड़ती है, तो ये सोलर पंप काफी बेहद ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और ऐसे में कुसुम योजना के लिए आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए, और वगैरह वगैरह आप अपने नजदीकी कृषि मंत्रालय में जाकर के भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है कि गुजरात बोर्ड ने भी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक 30% सिलेबस में घटाने का यानी कि कटौती करने का ऐलान किया, छात्रों को इससे राहत मिलेगी। आपको बताऊंगा, हाल ही में सीबीएसई ने कहा था कि 30% सिलेबस कम किया जाएगा, राइट, और उसके बाद अब गुजरात बोर्ड भी 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 कक्षाओं के लिए सिलेबस को 30% तक घटाने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही आधार कार्ड को लेकर एक खबर है दोस्तों कि अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आप आधार कार्ड बना सकेंगे। उदय ने, UIDAI ने एक नई सर्विस शुरू कर दी है। जी हां, उदय यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है आधार कार्ड बना
बनाने वाली संस्था, उसने इस तरह का सिस्टम बना दिया दोस्तों कि अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड को बनवा पाएंगे। तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि 5 अगस्त तक होंगे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और भी जानकारी आप ऑफिशियली चेक कर लीजिएगा। साथ ही खबर है कि यूजीसी ने कहा दोस्तों कि परीक्षाएं न होने से उठेगा डिग्री की वैधता पर सवाल, सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के एग्जाम। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ना, यानी कि हमारे देश की सभी यूनिवर्सिटीज का जो हेड है, कंट्रोलर है यूजीसी, उसने दोस्तों देश की सभी यूनिवर्सिटीज से कहा कि फाइनल ईयर के एग्जाम तो कंडक्ट करवा ही लिए जाए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की डिग्री की वैधता यानी कि वैलिडिटी पर भी एक सवाल खड़ा होता है, एक साल आगे पीछे का चक्कर पड़ता है। तो इसलिए यूजीसी ने ऑर्डर दिया। देखते हैं यूनिवर्सिटीज क्या फैसला लेती है। फिलहाल अगली खबर है कि कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन कक्षा प्रतिबंध आदेश पर रोक लग चुकी है। कोर्ट ने कहा कि यही तो एकमात्र साधन है। हाल ही में आपको बताऊंगा, कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन पर रोक लगाने का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, तो उसको हाईकोर्ट में फैसला चला और उसके बाद खोल दिया गया। 10वीं तक के ऑनलाइन एग्जाम को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसने? कर्नाटक बोर्ड ने। लेकिन अब 10वीं की परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो पाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर के दोस्तों ये फैसले पर, कर्नाटक सरकार का जो फैसला था, इस पर रोक लग चुकी है, ठीक है ना। साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। देख सकते हैं पुलिस में 6000 सब इंस्पेक्टर समेत 7400 भर्तियां निकली है। जहां यूपी के अंदर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की कई सारी भर्तियां निकली हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इन पदों के लिए अगले सप्ताह ही विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी होता है मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। साथ ही अपडेट है दोस्तों कि AICTE ने भी अपना नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा खबर है कि ट्रेनों से आने वाले 14 दिन घर में ही रहेंगे क्वारंटीन, घर से बाहर निकलने और मिलने पर भी पाबंदी रहेगी। दरअसल दोस्तों बिहार राज्य के अंदर चीनी वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से यह फैसला लिया कि ट्रेनों में जो भी लोग आएंगे बाहर से वगैरह, उनको घर पर ही होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही खबर है कि देश के इन 6 राज्यों में दोबारा हमला कर सकती हैं टिड्डियां। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को अलर्ट किया। जी हां, कौन कौन से राज्यों में किसानों को अलर्ट रहने की जरूरत है? तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 6 राज्यों में टिड्डी दल का हमला हो सकता है। तो प्लीज किसान भाई लोग वगैरह सावधान रहें इन राज्यों के। साथ ही खबर है कि 10 महीने बाद राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट आखिरकार लागू हो चुका है। आज से ये नए जुर्माने लागू होने जा रहे हैं। ओवरलोड वाहनों पर 40,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लाल बत्ती पर नहीं रुकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए वगैरह वगैरह। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर तो आपको पता है कितने जुर्माने होते हैं। मोबाइल पर बात करते हुए बाइक चलाते हो तो 1,000 रुपए का फाइन सीधा। बाइक पर 3 सवारी बैठी 1,000 रुपए। शराब पीकर ड्राइव किए 10,000 रुपए का चूना। तेज रफ्तार में ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई 1,000 रुपए जुर्माना। ये राजस्थान में आज से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार की तरफ से और एक फैसला लिया गया कि स्कूल खुलने तक फीस भी नहीं ले पाएंगे निजी विद्यालय। जहां प्राइवेट स्कूल्स वगैरह जो है ना, जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली स्कूल खुलने का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये छात्र छात्राओं से फीस वगैरह नहीं मांग सकते, है ना। तो ये राहत की बात है। और इसी के साथ ही दोस्तों खत्म करेंगे आज के इस वीडियो को। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएगा दोस्तों की भारत के ऐसे कोई 2 राज्य बताइए जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश होने वाले 2 स्टेट्स का नाम आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में लिखिएगा। साथ ही सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आपको शाउट आउट दिया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, फटाफट से दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।